सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास भी मोनोरेजर हो, पर सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप बना सकते हैं घर में मोनोरेजर, वो भी सिर्फ सीधा 5 रुपए में। कोई कोई तो फ्री में ही बना लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली चीज आपको जो चाहिए होगी वो है इरेजर। नॉर्मल से आप छोटी वाली भी ले सकते हैं, मैंने भी छोटी वाली ली है। बड़ी वाली इरेजर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड ये सिर्फ आपको 3 रुपीज की मिल जाएगी। सेकेंड थिंग आपको चाहिए वो है स्ट्रॉज। स्ट्रॉज आपको कहीं से मिल जाएंगे, घर में आपके पुराने पेंस होंगे तो उसकी आप रिफिल्स यूज कर सकते हैं। मैं भी रिफिल्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा हैंडी रहती है, ज्यादा जो है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसलिए मैंने इनको यूज किया। एंड लास्ट थिंग यू नीड इज अ कटर, सिंपल क्राफ्ट नाइफ चाहिए आपको एक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मेरे पास है ये दो स्ट्रॉज, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या बोलते हैं इनको कैसे कट करना है। तो सबसे पहले अपनी इरेजर की लेंथ देखें, तो मुझे बड़ी वाली इरेजर्स की रिफिल भी इसी में ही यूज़ करनी है, तो मैं इसको इसलिए बड़ा रखूँगा तो इससे डबल की लेंथ अब रखेंगे। कुछ इतनी लेंथ मैं इसकी रखूँगा इतनी। तो देखिए ये मेरे हाथ से तो मतलब कट कर लिए। एंड आपको ऐसी स्ट्रॉज चाहिए होंगी तो जो एक के अंदर एक घुस जाए ऐसे, बिल्कुल देखिए बिल्कुल अच्छे से पूरी की पूरी लास्ट तक चल रही है ना ये स्ट्रॉ। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा तो लास्ट तक जाने के बाद भी मैं इतना कुछ एरिया छोड़ के इसे कट करूँगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है रिफिल्स को काट मतलब कट करने का। तो मुझे कट करनी है यहाँ से, देखिए। इसको शेप कर लिया अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारी लीड बन चुकी है। एंड ये आराम से अंदर भी जा रही है, ये देखिए कितने अच्छे से अंदर तक जा रही है। आप ये काफ़ी सारी लीड्स बना के रख सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ी सी ही इसकी जो है मतलब साइड साइड से घिसाई करी है, ये ऐसे अंदर चल जा रही है आराम से। मैं इसको फाइन वाली टिप के साइड डालता हूँ। एंड इसके पीछे से हम डाल देंगे अपनी ये वाली स्ट्रॉ, तो ये देखिए आगे भी निकल जाएगी। एंड इसको हम वापस ऐसे खींच के दोबारा अंदर कर सकते हैं। एंड अब मुझे लग रहा है थोड़ी सी आपको पतली सी लगेगी हाथ में पकड़ने में, तो मैंने क्या किया कि ये जो रिफिल का टुकड़ा था ये वाले से जो हमने काटा था इसके ऊपर हम एक ऐसे बीच में से कट लगाएंगे ऐसे करके, यहाँ से हम इसे ऐसे कट करेंगे पूरा पूरा। फिर इसको हम एक पेंसिल के ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, देखिए मैंने इसको एक पेंसिल के ऊपर चढ़ा दिया। एंड नाउ वी जस्ट गो देयर, ऐसे करेंगे हम एंड इसके ऊपर कर देंगे इसे ऐसे, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर। एंड हम इसे ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, तो अब ये आपको थोड़ा सा सही लगेगा, अच्छी सी ग्रिप बनेगी। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रिप बन रही है। एंड आप पीछे से ऐसे इरेजर को बाहर कर सकते हैं। मीडियम प्रेशर से ही यूज़ किया है। चलिए अब इससे हम हाइलाइट्स देख देखते हैं। सबसे पहले HB, एंड HB में देखिए कितने ज़्यादा अच्छे हाइलाइट्स हो रहे हैं। अब 2B, हम दोबारा यूज़ करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हाइलाइट्स आ रही हैं मोनो जीरो से इस वाली। एंड अब मैं सबसे डार्केस्ट ग्रेड्स को यूज़ करूँगा। तो देखिए अब दोनों बिल्कुल अपनी मैक्स लिमिट पे हैं, तो अब इससे हम इरेज करके देखते हैं। तो ग्रेफाइट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इरेज नहीं हो पा रहा है, पर मुझे पता है कि चारकोल काफ़ी अच्छे से इरेज होगा। सो गाइज अब आप देख सकते हैं चारकोल की मैक्स लिमिट को भी आराम से इरेज कर दे रहा है, देखिए। सो गाइज मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसके ऊपर ये वाइट पेपर रोल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको कट करके मैं रोल कर दूंगा इस। आपके पास
पास कैप्स होंगे जो मोनो जीरो की तरह दिखे, थोड़े बहुत। तो ये मेरे पास एक कैप है, तो इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कट करके लेके आता हूँ अभी। सो गाइस, ये तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, पर अब मुझे इस मतलब मैंने यहाँ पे पीछे से कट करके लगा दिया है, एंड इसके ऊपर अब मैं ट्यूब लगा रहा हूँ जो कि सूखने के लिए रखी हुई थी, एंड ये भी अच्छे से लग जा रही है इसके ऊपर। पर मुझे अब इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये फट गई थी थोड़ी बहुत ऊपर से। तो अब हम देंगे इसको एक कलर, जैसे कि मोनो जीरो में होता है हल्का सा, जैसे होता है ना, जो होता है ग्रे कलर हम इसको देंगे। तो जल्दी से लाता हूँ। तो चलिए अब कर देते हैं ग्रे कलर पूरा का पूरा इसके ऊपर। तो ग्रे कलर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक ट्यूब लगा देता हूँ। ऐसे आगे से मैंने थोड़ा सा ब्लैक यूज़ किया है ट्यूब के लिए, ऐसे कुछ। गाइस, मैंने लिख दिया है यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर, यस। नाउ हमने मतलब अभी ना जो होती है ना टॉम्बो कंपनी से इसके राइट्स ले लिए हमने मोनो जीरो इरेजर के। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने कॉपी कर लिया पूरा का पूरा मोनो जीरो इरेजर को, यहाँ तक कि हमने उसके लुक भी बिल्कुल सेम कर लिया है। पिछली मैंने ये वाली बनाई थी, एंड इसके ऊपर की लीड पता नहीं कहाँ रखी होगी मैंने, एंड ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी। हालांकि मैंने इस इरेजर को, ये जो हाथ में है, इस इरेजर को मैंने जब मैंने स्केचिंग स्टार्ट करी थी तब से मैंने, जब तक मेरे पास वाली इरेजर्स नहीं थी पेंसिल इरेजर्स, तब तक यूज़ किया था। अभी भी मैं इसको नॉर्मल साइड में इरेज करना होता है कहीं कहीं, तो मैं तब भी इसे यूज़ करता हूँ। तो अब आप किसी को भी कह देना, हाँ भाई मैंने भी मोनो जीरो इरेजर बना के रखी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज की इस वीडियो में। आपको कैसी लगी कमेंट्स में आप ज़रूर लिख के बताना कि आपको कैसी लगी इरेजर, मैं कितना हद तक टॉम्बो मोनो को मैच कर पाया। बस ये एक दिक्कत थी कि हमारी डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग है, तो मैंने पीछे से ये लीवर सा छोड़ दिया। तो ऐसे आप इसको पीछे से ऐसे दबाइए, ऐसे देखिए, बिल्कुल ऐसे सिंपल वे है। ये देखिए बिल्कुल इसको दबाइए, एंड ये आगे निकलती रहेगी, ऐसे दबाते रहिए, ये आगे निकलती रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल सी वे है। एंड जब ये ख़त्म हो जाएगी पूरी, तो आप नई बना के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी इरेजर है, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।